हरे मसाले वाली चिकन व्हाइट बिरयानी हो जाए। जी हाँ, आप लोगों की भरपूर सजेशंस पर हम आज मौजूद हैं राशिद पकवान पर। वैसे तो इनकी दिल्ली स्टाइल की बीफ बिरयानी और चिकन बिरयानी बहुत रनिंग में है, लेकिन इस हरे मसाले वाली चिकन व्हाइट बिरयानी की भी काफी हाइप बन रही है। सर बिरयानी दिल्ली स्टाइल है और आप एक दफा आओगे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा वापसी खुद आएंगे आप। एक दफा आओ, बार बार आप खुद आएंगे, हम नहीं बुलाएंगे फिर आपको। एक तो बिरयानी बहुत अच्छी है, उसमें मतलब एक बिरयानी आप ले ले तो मुकम्मल आपका पेट भर जाएगा। अब फ्लेवर नहीं डलता, मसाले डलते, हम पहचान है। मैं कराची में कहीं की बिरयानियों में पहुंच जाता हूँ वहाँ पे खाने के लिए। अच्छा, हर जगह की खाई हुई है, यहाँ की भी खाई है, हर जगह की खाई है। यहाँ तो मैं तकरीबन डेली आता हूँ। यखनी में चावल ऐड हो गया भाई, बासमती चावल यखनी में डल गया भाई ये, वाह वाह सैला बासमती। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई आप लोगों की बहुत ज़्यादा सजेशंस आ रही थी कि हैदरी पर राशिद पकवान पर जाएं और वहां जाकर यहां की चिकन बिरयानी और जो इनकी बीफ बिरयानी वगैरह होती है वो जाकर ट्राई करें। तो आज मैं यहां पर पहुंच चुका हूं मेन लोकेशन पर और यहां पर देखे ही देखे लगी। इनका किचन भी मेरे बिल्कुल बैक साइड पर है और लोगों ने जितनी सजेशंस दी थी तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई ये बिरयानी में बहुत ज़्यादा दम होने वाला है। तो ये ट्राई करने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ट्राई करेंगे कि भाई आप लोगों की सजेशंस वाकई सही थी, क्योंकि भाई रिसेंटली मेरी काफ़ी सारी बिरयानी की वीडियोस आई थी और आप लोगों ने सजेस्ट बहुत सारी जगह की थी, लेकिन इस जगह का काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग कह रहे थे। तो मैंने कहा चलें आपकी फरमाइश पे यहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। भाई देखें, ये है इनका किचन, ये देगे वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, मज़ेदार किस्म के जो है ना सालन चावल सब आपको नज़र आ रहा है। भाई जान क्या है? सलाम अल्लाह करे भाई। तो भाई जान सबसे पहले तो ये बताओ कितना टाइम हो गया राशिद पकवान को? ये भी एक साल हुआ है। एक साल हो गया। तो ये क्या चावल बन रहे हैं अभी? ये अभी बॉयल हो रही है? चावल बॉयल हो रहा है। वाह वाह। चावल कौन सा वाला होता है? ये सैला बासमती होता है। अच्छा सैला बासमती, मतलब अच्छी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल कर लें। अच्छा साथ में अभी अभी कौन कौन सी देख बन रही है? अभी चिकन बिरयानी है, बीफ बिरयानी है। चिकन बिरयानी बीफ बिरयानी दोनों बन रही है। और कितने बजे तक मिलेगी? 3 बजे तक मेरे ख्याल से खत्म हो जाती होगी फिर। ये 3 बजे तक खत्म हो जाती है ना, मतलब रश ऐसा होता है कि भाई आ रहे हैं लोग और खाते जा रहे हैं। सही है, ठीक है। तो स्पेशलिटी आपकी वैसे चिकन में या बीफ में किस में ज्यादा है? चिकन बिरयानी में ज्यादा है, मतलब चिकन खाएंगे तो मजा आ जाएगा फिर। चिकन भी खाएंगे और बीफ भी हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, बीफ भी है और चिकन भी है दोनों। चिकन पुलाव भी है। चिकन पुलाव भी है भाई। देखिए देखते हैं यार, उसकी जरा खोल के दिखाएं भाई जरा। क्या बात है भाई, कोई तैयार हो गई है भाई अभी? जी तो तैयार हो चुकी है भाई। देखिए वाह वाह भाई, पूरी आ जाए भाई, आ जाए, घुमाएं जरा भाई इसको। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये आई रंगत भाई, ये रंगत आई। अब होगी सही वाली मिक्सिंग। ये देखिए मसाले चेक करें, फुल मिक्स हो चुके हैं ज़बरदस्त किस्म के। क्या बात है चिकन। और ये वाली भाई आ जाएँ अब ज़रा चिकन पे। वाह भाई बिल्कुल सेम पैटर्न और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसका। ये देखें भाई, ये देखें मसाले भरपूर मसाले, फुल मसालेदार लग रही है भाई। मुझे तो पर्सनली अभी खा कर बताएंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है तो राशिद पकवान जो है इसको कितना टाइम हो गया, क्या स्पेशलिटी है थोड़ा बताएं जरा। स्पेशलिटी माशाल्लाह यहाँ की चिकन बिरयानी भी है और चिकन पुलाव है, बाकी बीफ बिरयानी है। माशाल्लाह हर आइटम भरपूर है। वही बात है, मसाले पूरे होंगे तो आइटम भरपूर होगा, अगर कुछ मसालों में कटौती हो जाएगी तो फिर मामला बिगड़ जाता है, मज़ा नहीं आता फिर। अच्छा मैंने सुना आपकी बिरयानी बड़ी मसालेदार होती है, ऐसा है? अभी मैंने खाई नहीं है अभी तक, ये बाद में करूँ। बात ना सारे मसालों का इस्तेमाल तो मज़ेदार कैसे नहीं होगा, ये बताएं आप। मतलब फुल मसाला, बाकी वो कराची वाली है बिरयानी फिर भाई, ट्राई करें बैठे जबरदस्त। अच्छा ये कैटरिंग में और भी आइटम तकरीबन बनते होंगे कैटर्स के? हाँ, तमाम शादी ब्याह जो भी इवेंट्स हैं, जिस तरह के इवेंट्स होते हैं। अच्छा, उन सब का यहाँ पे खाना तैयार किया जाता है, यहाँ पे ऑर्डर भी ले जाते हैं बकायदा प्रॉपर। तो ये हो गया आपका उसामा भाई, ये हो गया आपका किचन, ये किचन काउंटर भी देख लेते थोड़ा। शुरुआत हमारी यहीं से हुई थी। अच्छा, दुकान से पहले यही थी हमारी, किचन भी यही था, कैश मतलब के बिरयानी काउंटर भी लगता था। ये है कि वो दुकान ले लिए, आप देख रहे हैं चले आ जाए फिर उस तरफ चलते हैं। अच्छा उसामा भाई ये है अब जो हमारा जो मेन स्पॉट हमारे, ये है पहला हमारा वो स्पॉट था, मतलब वहाँ से पक्के आते किचन से और यहाँ के सेल होती है। ठीक है, और अंदर डाइनिंग एरिया बनाया, मसाला लोग आगे बैठते भी है यहाँ पे ना।
ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं अभी क्या बिरयानी के क्या रेट हैं, चिकन पुलाव और सब चीज़ें? जो बिरयानी है वो 240 रुपये की है, चिकन बिरयानी आधा किलो की, मतलब आधा किलो से ऊपर है, इससे कम नहीं है। सही है। और बाकी भी बिरयानी 320 रुपये की आधा किलो है। सही है। और टाइमिंग क्या होती है यहाँ की? सुबह 11 से रात 11-12 बजे। रात 11 बजे तक हमें बिरयानी पुलाव सब मिलेगा? बेहतरीन फूड पांडा है, ठीक है, फूड पांडा यहाँ पे बहुत अच्छा यूज है यहाँ पे फूड पांडा का। बाकी लोकली फूड डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं इलाके के अंदर, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक ई के अंदर, ठीक है। और शादी ब्याह वगैरह के लिए जो फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर लिया जाए? नंबर पे रब्ता करें तो जिस तरह की भी ऑर्डर हो, चाहे नगर न्यास के हों या शादी ब्याह के वगैरह, जो जिस किस्म के ऑर्डर होते हैं वो लोग रुजू करते हैं, और नंबर आप बता दीजिए इसके आखिर में। बस ठीक है। अच्छा भाई देखें वहाँ पर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं पतीले का, और अभी यहाँ से जो है अभी जा रहा है, ये देखें भाई ये इनका पकवान सेंटर है, आ गया भाई पतीला, सब लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखे भाई हट जाओ, उन्होंने बोल दिया कि भाई हट जाओ, साइड पे हट जाओ। तो भाई अब पतीला रखेंगे वहाँ पर, ये देखें भाई आ गया पतीला। हाँ 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 भाई सब लोग इंतज़ार में लगे हैं भाई, गर्मा गर्म पतीला। वाह भाई वाह वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, कलर चेक करें। तो भाई देखें बीफ भी आ चुकी है, ये रख दी भाई, देख ये रख दी, खोलो भाई खोलो खोलो इसे। ये आ गई हमारी बीफ, क्या बात है यार, ज़बरदस्त फुल गर्मा गर्म हो रही है। हाँ जानी तो यार हमारी भी प्लेट बना दो यार एक। ये आपकी बनाएंगे? हमारी बना रहे हो? बताएं। बनाओ 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 यार, हमारी प्लेट भाई हमारा फुल चश्के दिखा रहे हैं अभी, चश्के दिखा रहे हो फिर। ये प्लेट तैयार हो गई। अच्छा ये चिकन बिरयानी है ना हमारी? ये चिकन बिरयानी है, मसालेदार चिकन बिरयानी। ये प्लेट तैयार हो चुकी है जी? ये प्लेट तैयार हो गई है, तैयार हो गई है भाई। अच्छा तो लड़के अब आप कौन सी वाली बना रहे? अब हम बीफ बिरयानी बना रहे हैं सर, बच्चिया का गोश्त। बच्चिया का गोश्त, बीफ बिरयानी बच्चिया का गोश्त, मेरा फेवरेट ये भाई। हाँ हाँ डालो डालो, थोड़ा बोटियाँ छोटियाँ डालो, बोटियाँ इतनी डाल देंगे, क्या बात है। तो ये भी हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है, तो भाई अब इन दोनों का रिव्यू करते हैं। ये भी तैयार, चिकन भी तैयार, बीफ भी तैयार, दोनों ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अच्छा भाई बीफ और चिकन दोनों हमारी जो हैं बिरयानी आ चुकी हैं। तो भाई सबसे पहले तो जो मैं इम्प्रेस हुआ ना इनके चावल से, तो आपको चावल दिखाऊँ, ये देखें भाई माशाल्लाह, ये चावल है भाई इनका, बड़ा खिला खिला। और जब ये डाल रहे थे ना वैसे बासमती चावल, तो वो बासमती चावल बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं लग रहा है भाई। ऐसे ही बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, थोड़ा गर्म हो रहा है। एकदम सारे मसाले ना ऐसे मिक्स हो रहे हैं, और सादे चावल भी है ना आपको इतने मज़े के लगते हैं, मतलब मैं सबसे पहले चावल ही ट्राई करता हूँ हमेशा, तो चावल से आपको ना पता चल जाता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था वो मुझे मसालेदार तो लग रही, तो मसालेदार तो बिल्कुल है, और चावल अप्रूव है भाई। अच्छा भाई तो ज़रा चिकन ये दिखा दूँ आपको भाई, साथ में चिकन की बोटी भी आ गई, आप ज़रा चिकन के साथ मिक्स करते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चिकन के साथ ज़रा इसका जायका चेक करते हैं कैसी लग रही है। अच्छा भाई नॉर्थ के काफ़ी लोगों ने जो है ना रेकमेंड की थी कि भाई यहाँ पर आकर आपने जो है ये बिरयानी ट्राई करनी है राशिद पकवान की, तो राशिद पकवान का टेस्ट तो यार वाकई बहुत मज़े का है, और रेकमेंडेशन आप लोगों की बिल्कुल ठीक थी जिन जिन लोगों ने रेकमेंड किया था राशिद पकवान को, क्योंकि भाई ऑलरेडी ये मार्केट में इसका काफ़ी नाम है। तो चिकन बिरयानी तो यार माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। अब ज़रा बीफ की तरफ आ जाते हैं, चिकन हो गई, ये मैं आपको ज़रा बीफ दिखा देता हूँ, और ये बीफ के सीन्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर बछिया का गोश्त, और मेरे ख्याल से अब चावल तो इसमें ये देखिए भाई तय लगी हुई है, तो चावल ऑब्वियसली वही वाला है। तो अब हम चलें आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा मिक्स करते हैं चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एकदम गर्मा गर्म था भाई बहुत गर्मा गर्म है, चावल बहुत अच्छा है यार इनका। अच्छा अब ज़रा मैं ये बछिया की बोटी लेते हैं, ये देखें भाई ये आ गया बछिया का फुल गला हुआ गोश्त, एक चम्मच मारते जो है एकदम बोटी टूट के आ गई है। तो ये ज़रा एक बाइट बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यार चिकन तो अच्छी थी लेकिन बीफ वाली बहुत अच्छी है। बीफ का गोश्त इतना रसीला हो रहा है ना, तो चावल के साथ जो कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है ना, ये है असल डील। असल तो भाई ये है इनकी। तो भाई रेकमेंडेशन तो आपको दोनों की है, लेकिन आपने जो है ना बीफ जो है इनकी लाजमी ट्राई करनी है। 270 रुपये इसकी प्राइस है भाई, और चिकन वाला जो है वो है 240 रुपये का। अच्छा भाई देखिए दोनों चीज़ें तैयार ट्राई कर ली हैं, लेकिन इन्होंने कहा था कि भाई इनकी एक और बिरयानी है। भाई क्या नाम बताया था भाई इसका आपने? चिकन वाइट बिरयानी है भाई ये, हरे मसाले वाली। भाई इसकी प्रेजेंटेशन देखें माशाल्लाह, बोटी इसके ऊपर कितनी, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये प्रेजेंटेशन जो है ना स्पेशली जो है किसी कंपटीशन के लिए की गई है। इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन लग रही है इसकी। भाई ये देखें भाई ये चावल, अच्छा इसका और उसका लुक बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा एक ग्रीनिश टाइप का एक आपको टच नज़र आएगा इसमें। ये देखें चावल, बिस्मिल्लाह करते हैं। यार इसका अपना मुनफरिद जायका है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। नहीं नहीं है भाई स्पाइसी, एकदम स्पाइसी लगी है, थोड़ी सी स्पाइसी है भी, और इसमें और उसमें जो है ना फ़र्क है। लेकिन यार देखें दोनों चीज़ें हैं ना भाई, ये दोनों ट्राई करने वाली, तो इसको भी ज़रा जल्दी से इसकी भी ज़रा रोटी तोड़ते हैं और ये ज़रा चावल के साथ लेकर खाते हैं। अब देखें कैसे कॉम्बिनेशन बनता है। भाई ये भी मज़े की, लेकिन यार विनर जो है ना तीनों में बीफ ही है। 1 2 3 ये हो गई। तो देखें भाई जिन जिन लोगों ने राशिद पकवान का सजेस्ट किया था, बिल्कुल अच्छा सजेस्ट किया था, कराची में बिरयानियाँ आपको पता है भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो राशिद पकवान का एक अच्छा नाम है। यहाँ पर आएँ, लोकेशन बड़ी सिंपल सी है भाई, हैदरी पे आपने रेड एप्पल देखा होगा, उसी गली में आप थोड़ा सा आगे आएंगे, गूगल लोकेशन भी वैसे मैं डाल दूंगा। तो जब भी आपका चक्कर लगे लाजमी आके ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।